शंख चक्र गदाधारी श्री मथुराधीश प्रभु करुण ग्राम नदी कूलात स्वयं प्रादुर्बभूवय पद्मनाभ मनः कामं पुरैता तनुरूपधृत पातु नो संख्यान जीवान केवलं कृपया तया। पवित्रा पहरन को दिन आयो केसर कुमकुम रसरंग वागो कुंदन धर पहरायो जय जय कार होत वसुधा पर सुर मुनि मंगल गायो पतित पवित्र किए सुख सागर सूरदास यश गायो। समस्त पुष्टि भक्ति मार्ग वैष्णव सृष्टि को एवं श्री प्रथमेश गृह अनुगामी निज जनों को पुष्टि भक्ति मार्ग प्रागट्य दिवस एवं पवित्रा एकादशी पवित्रा द्वादशी सहित पवित्रोत्सव की परम मंगलमयी बधाई। दैवी जीव उद्धारार्थ भूमि भाग्य रूप वस्तुतः कृष्ण एव श्री कृष्णस्य स्वरूप श्री वल्लभ गुण रूपेण प्रगटे। सौमार्ग्य पूर्वाचार्यों का यह कहना भी है कि यदैव श्री गोकुल स्वामी स्वमनो अभिलाषित प्रकारक शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गम प्रकटयितुं मनः कृत्वान् तदैव स्वमुखारविंद रूप आचार्याणामेव तद् प्रकटन सामर्थ्यं ज्ञात्वा भूवि प्रागट्यार्थं आज्ञां दत्तवान्। अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु ने जब शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट करने का विचार किया तब यह मार्ग प्रकट करने के लिए स्वमुखारविंद रूप श्री आचार्य चरण को भूतल पर प्रकट होने की आज्ञा की। यह भाव श्री वल्लभ जी ने सिद्धांत रहस्यम ग्रंथ की अपनी विवृत्ति टीका में आरंभ में ही लिखे हैं। अतः श्री आचार्य चरण के प्रागट्य का मुख्य हेतु देवी जीव उद्धारार्थ शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट करना ही है। पुष्टि मार्ग प्रागट्य आज्ञा के विषय में 84 वैष्णव की वार्ता अनुसार श्री दामोदर दास जी की प्रथम वार्ता का प्रथम प्रसंग तो आप सभी वैष्णव ने पढ़ा या सुना ही होगा। श्री वल्लभ श्रीमद गोकुल में श्री गोविंद घाट पर विराज कर चिंतन कर रहे थे कि जीव दोष सहित है और पूर्ण पुरुषोत्तम तो गुण निधान है, तो सदोष जीव का परब्रह्म श्री कृष्ण से कैसे संबंध होगा। उसी समय श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम श्री गोकुले श्री यमुना तटे समुपासीना भगवंतम श्री गोपीजन वल्लभम साक्षात दृष्टवंतः। श्री यमुना तट पर प्रभु मूल रूप से प्रकट हो गए। श्री हरराय जी सिद्धांत रहस्य विवृत्ति में आज्ञा कर रहे हैं न पूर्व रस रूपेण मूल रूपेण वै हरि ही उक्त्वान इति बोधाय साक्षात पदम इहोदितम। यहाँ प्रभु साक्षात पधारे, यहाँ न आज्ञा न तो दूत एवं स्वप्नादि द्वारा दी अथवा न ही कोई अंश विभूति द्वारा आज्ञा दी, स्वयं धर्मी स्वरूप पधारे, क्योंकि यह मार्ग धर्मी का मार्ग है। श्रावण मास भगवत संबंधी है, अमल पक्ष है, यह आज्ञा हुई है। अमल अर्थात निर्दुष्ट, यह मार्ग शुद्ध है, अमल है, निर्दुष्ट है। प्रभु एकादशी तिथि को आज्ञार्थ प्रकट हुए तो एकादशी तिथि का भी गूढ़ार्थ टीकाकारों ने कहा है, लिखा है। यथा श्री व्रजोत्सव जी सिद्धांत रहस्यम ग्रंथ की विवृत्ति में एकादशी का गूढ़ार्थ प्रकट कर रहे हैं, एकादशी हरिदिनम उच्यते एकादश इंद्रिय शोधिका च इत्यादि। एकादशी तिथि एकादश इंद्रिय की शोधिका है, एकादशी हरि का दिन है, हरि सर्व दुख हरता है। एकादश इंद्रियों द्वारा ब्रह्म संबंध पश्चात प्रभु सेवा करते हुए 11 इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाना है।
इन एकादश इंद्रियों को प्रभु सुखार्थ सेवा में विनियोग ही इसी का प्रतीक यह एकादशी है। महानिशि अर्धरात्रि में साक्षात पुष्टि पुरुषोत्तम प्रकट हुए, तब श्री आचार्य चरण को भ्रम समन की आज्ञा दी और प्रभु ने जो आज्ञा की वही आज्ञा सिद्धांत रहस्यम ग्रंथ में अक्षरशः है। साक्षात भगवता प्रोक्तम तद अक्षरशः उच्यते। श्री आचार्य चरण ने प्रभु को पवित्रा धराए, इसलिए यह दिन पवित्रा एकादशी के नाम से स्वमार्ग में प्रसिद्ध है। किंतु पवित्रा धराना यह तो शास्त्रीय क्रम है, पवित्रा केवल स्वमार्ग में ही धराया जाता है ऐसा नहीं, अन्य मार्ग में भी यह सर्वत्र धराया जाता है। पवित्रा सिद्ध करने की विधि और विविध प्रकार के पवित्रा का वर्णन एवं पवित्रा के अधिवासन आदि का प्रकार शास्त्र में अति प्रसिद्ध है। इस विषय में जिज्ञासुओं को निर्णय सिंधु आदि ग्रंथ देखना चाहिए। हेमाद्रि दिन करोद्योत और ब्रह्म पुराण में स्पष्ट है कि न करोति विधाने न पवित्रारोपणम तु यह तस्यम सांवत्सरी पूजा निष्फला मुनिसत्तम। हे मुनिश्रेष्ठ, विधान पूर्वक जो मनुष्य पवित्रा का समर्पण नहीं करता तो उसकी वर्ष की सेवा पूजा निष्फल हो जाती है। शास्त्रीय विधान के साथ स्वमार्ग में भावना का प्राधान्य होने से पवित्रा धरने का भाव श्री गोपीनाथ प्रभुचरण ने इस प्रकार कहा है कि या कृता वार्षिकी सेवा सा मूल फलदा मता प्रत्यहं सूत्र रूपेण सैकी भूता अनुभावनात् पवित्रम तज ज्ञापकम ही प्रेषितम हरिणा ततः अतः तद आरोपणम तु श्रीकृष्णे सन्मतम सदा। तद आरोपाद भक्तिभावा मूले सर्वे समर्पिता त्वत्प्रेषितं पवित्रं हि मूल सेवा फलात्मकं समर्पयामि तत्प्रीतः कृपयांगी कुरु प्रभो तत्समर्पणतो भावसेवायाः फलरूपता। श्री गोपीनाथ प्रभुचरण अनुसार पवित्रा प्रभु को धरने से हमारी भाव सेवा फल रूपता को प्राप्त होती है। श्री आचार्य चरण ने प्रभु को पवित्रा धराया, तद अनुसार हम सब भी पवित्रा एकादशी को स्वसेव्य को पवित्रा धरते हैं और द्वादशी को अपने गुरु को पवित्रा धरने का क्रम है, तो यह पवित्रोत्सव इतना दिव्य है कि इस उत्सव में प्रभु और गुरु दोनों का सानिध्य प्राप्त होता है। किंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोरोना काल में इस वर्ष गुरुजनों का सानिध्य वैष्णव को नहीं मिल पाएगा, लेकिन हमें इससे दुखी नहीं होना है। प्रभु इच्छा मानते हुए श्री गुरुदेव को आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों वीडियो कॉल आदि के माध्यम से अपने भक्ति भाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं। पुष्टि प्रभु और पुष्टि गुरु परम दयालु हैं, अतः अपने अपने श्री गुरुदेव को अवश्य वंदन करें। आप सभी भगवतीय वैष्णवजन यह पवित्रोत्सव स्वप्रभु के परम पवित्र सन्निधान में अत्यंत आनंद उत्साह से मनाएं। सभी आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रैक्टिस करें। हमारा मन श्री कृष्ण चरणारविंद में स्थित रहे, यही वास्तविक स्वस्थता है। श्री कृष्ण चरण कमल की सदा स्मृति ही वार्षिकी सेवा का सर्वोच्चतम फल है। यह काल विकट है, शीघ्र ही प्रभु कृपा से व्यतीत हो जाएगा और हम पुनः गुरु चरणारविंद में वंदन कर सकेंगे। यही आशा के साथ पवित्रोत्सव की पुनः बधाई सह शुभांशा किम अधिकम।